नमस्कार दोस्तों, आज है 4 मार्च, फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी के। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन हमको मिल गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आज पूछा था कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है कब हुआ था, 1984 में हुआ था, और कौन से केमिकल के द्वारा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है कंप्यूटर में, तो ये ऑप्शन पे ऑप्शन कितने ऑप्शन थे, कैसा ऑप्शन था, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने 3 ऑप्शन ले लिया कि हो सकता है पूछा हो प्लॉटर दे रखा हो, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो, या कोई इनपुट डिवाइस दे दिया हो साथ में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो भी हमको क्वेश्चंस मिलते हैं वो मेमोरी बेस होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफरेंट बेस से पूछा है तो ज़रूर आप कमेंट में करें। और दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ यही क्वेश्चन आज पूछे गए हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। उसका मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग अर्जी फर्जी वीडियो बनाते हैं और दोस्तों उससे क्या है गलत, मतलब कि क्या है कि जो लड़का नहीं एग्ज़ाम दिया तो वो अगर आपके लाइक नहीं होंगे, आपके कमेंट नहीं होंगे, तो उसको लगता है कि ये भी वीडियो फर्जी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। हम लोग बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं जिससे कि आने वाले टाइम में जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो उनको फ़ायदा हो, मतलब सही जानकारियाँ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SLR का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो फुल फॉर्म पे आया है क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ है, 2015। इस क्वेश्चन में मुझको डाउट है, आप ये बताएं कि क्या यही क्वेश्चन पूछा है या कुछ डिफरेंट पूछा है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में मुझको थोड़ा डाउट है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आया है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा है कि UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है न्यूयॉर्क में। ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अनअकैडमी लाया है अल्टीमेट स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। दोस्तों एग्जाम के पहले अगर NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एक ऐसा है जहाँ से एग्जाम में भयंकर तरीके से क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, देखिए ये टेस्ट लगाना है। ठीक है, ये टेस्ट आपका कब है, 14 टेस्ट हैं, फ्री में टेस्ट हैं। आप फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक लगातार क्वेश्चन लगाइए, टाइमिंग वाइमिंग सब दे रखा है। पॉज करिए वीडियो का, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जाइए और आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको टेस्ट जरूर लगाना है, ये ध्यान रखिए। GK स्कोर बूस्टर सिप्रा मैडम की तरह, बिमलेश मैडम, और आप देख सकते हैं मेगा GS जो है आनंद पांचाल, रीजनिंग जो है आपके दीपक सर हैं, और ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट है RRB ग्रुप डी के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं सुपर फास्ट फाइनल रिवीजन RRB ग्रुप डी के टेस्ट हैं। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट जरूर लगाना है। इस टेस्ट में आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट में आपको क्या है ना, इस टेस्ट में आपको कोड पूछेगा, तो AS202 ये जो कोड है, इस कोड को यूज करना है तभी आप टेस्ट लगा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो दोस्तों ये जो कोड है ये आप यूज करिएगा। कोई भी मंथली का पैकेज खरीदिए जहाँ आप अनलिमिटेड एग्जाम, अनलिमिटेड टेस्ट, सब कुछ फ्री में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए पे करते हैं इतना, तो आप क्या है कि सारे क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि दुरंध लाइन क्या होता है, तो दोस्तों इसका डिपेंड करता है ऑप्शन, ये भी सही होता है, इंडियन अफगानिस्तान का भी लाइन माना जाता है, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी लाइन माना जाता है, क्योंकि ये POK में आता है, और POK जो है वो इंडिया का हिस्सा है, इस कारण से ये इंडिया और अफगानिस्तान का ही बॉर्डर है। लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी ऑप्शन डिफरेंट वे से पूछ लेता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है DPSC जो होता है वो कौन से कंट्री से लिया गया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं अलग अलग, हुआ है कि क्या कहते हैं प्रेसिडेंट किसके अंडर में आता है, कौन से कंट्री से लिया गया, तो इसी तरह DPSC होता है, तो वो इरिस कंट्री से लिया गया है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो मुझको मिले हैं लेकिन मुझको क्या है एग्जैक्टली नहीं मिले, कमेंट में आप जरूर बताएं कि ये किस वे से पूछा था। पहला पूछा स्वतंत्रता भारत के पहले संविधान सभा अध्यक्ष कौन है, तो एग्जैक्टली ये मेरे को बताइए क्या यही पूछा था क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। एक पूर्व घाट और पश्चिम घाट को मिलाता है तो क्या होता है, एक नीलगिरी से क्वेश्चन पूछा था, तो क्या था जरूर मेरे को बताइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका ग्रुप डी NTPC का पेपर है आने वाले टाइम में, तो दोस्तों हम लोग लाए हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है, पैकेज जो 4 बुक हैं, देखिए 4 बुक हैं, ये इंग्लिश में है और 4 बुक हिंदी में है। दोस्तों यहाँ से 90% क्वेश्चन डेली एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 300 का बुक है, हमने इसको 139 रुपीज़ में कर दिया है, आप ज़रूर इसको डाउनलोड करिए। दोस्तों आपके लिए लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन वाली बुक शानदार हम लाए हैं,
जरूर इसको फॉलो करें। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, एटलीस्ट सब्सक्राइब करिएगा, नहीं करिएगा चैनल लाइक जरूर करिएगा। उससे एक विश्वास होता है कि सामने वाला जो क्वेश्चन बता रहा है वो सही बता रहा है, ठीक है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका PDF जो टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आपको सर्च करना है रेलवे RRB, ठीक है। इतना आप सर्च करेंगे तो 270K का चैनल रेलवे में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, जो हम लोग फ्री में लगातार वहाँ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं CBT 2 के लिए भी और साथ में ग्रुप डी के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं या तो सर्च करिए। रेलवे का लोगो लगा है, 2,70,000 के ऊपर को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।